वेलकम दोस्तों, ठग लाइफ। आप लोगों ने तो सुना ही होगा ठग लाइफ क्या होता है, किसी चीज़ को एकदम स्मार्टली वे में उसका आंसर देना। तो हमारे जो इंडियन यूट्यूबर हैं वो इन चीज़ों में पीछे नहीं हटते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इन यूट्यूबरों की कुछ ठग लाइफ। हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे हेलो, एक्सक्यूज मी, आई टोल्ड यू ना आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे लेकिन मेरी, अरे आपको समझ नहीं आता, मैंने कहा आई हैव अ बॉयफ्रेंड। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बड़े बदतमीज हो, मैंने कहा आई हैव अ बॉयफ्रेंड। सच अ लूजर। अरे लेकिन मेरी माँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर्ड है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। अच्छा सॉरी, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। म्यूजिक। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वीडियो की ओर। कैरी मिनाटी, इन्हें कौन नहीं जानता, इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर। एक बार क्या हुआ था ना, इनका एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें एक रिपोर्टर बहुत तेज बन रही थी और इनसे तरह तरह क्वेश्चन कर रही थी। उसका आंसर इन्होंने कुछ इस तरह से दिया, आप देखिए। तुम्हें इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस की है, जैसे कि मैं कॉलेज नहीं गया। वी ऑल नो दैट। या मैं कॉलेज नहीं गया। व्हाट डू यू मीन बाय वी ऑल नो दैट? तीसरा जो है हमारा थगेश नाम के एक यूट्यूबर हैं, जिन्होंने बोला था कि जब मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं अपना हथियार काट दूंगा। तो इनका कुछ ऐसा रिएक्शन आया 1 मिलियन होने के बाद। फैंस वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो इन विच थगेश कट्स। चाकू किधर है? कैसा लगा मेरा मजाक? कैरी भैया के इस सीन को कोई कैसे भूल सकता है? ये क्या है? भाई तू कंप्लीट करे देगा आज? भाई देखो, अब इससे साबित हो चुका है कि देखो इसे मैं तो कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। ये लौंडा अपने आप कंट्रोल हो रहा है और ये भोसड़ी का भी हवा में उड़ रहा है, कोई ग्रिप नहीं है इसके पास। ये लौंडा हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई? व्हाट द फक यार। म्यूजिक। एक बार कपिल शर्मा ने टेक्निकल गुरुजी के साथ कोलैब किया था, तो उस वीडियो में उन्होंने टेक्निकल गुरुजी को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट किया था, और देखिए आप। अभी ऐसे सोच भी रहा था एक बार कि मैंने ना अभी कुछ 2800 वीडियोस बना लिए हैं। अच्छा, गैजेट्स और पता नहीं क्या क्या कवर कर दिया है। अच्छा, लेकिन मतलब वीडियो बना लिया आपने? मैं डेली 2 बनाता हूँ ना वीडियोस। बाप रे, तो काम नहीं करते आप?
और अब सबसे लास्ट वीडियो एंड सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो। एक बार क्या हुआ था ना कि MI और टेक्निकल गुरुजी में कुछ पंगा चल रहा था, तो फिर भी MI वालों ने अपना एक फ़ोन Redmi Note 7 टेक्निकल गुरुजी को रिव्यू करने के लिए भेजा। उन्होंने उसे रिव्यू किया, बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू किया, और ऐसा रिव्यू किया कि क्या ही बताऊँ, आप लोग देख लीजिए। हाँ दोस्तों, इसको चलो स्क्रीन को ऑन छोड़ देते हैं और मैं दोस्तों एक बार करता हूँ ट्राई बेंड करने की इस फोन को। ओके, और स्क्रीन टूट गया है दोस्तों, स्क्रीन जो है वो डैमेज हो चुका है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि ग्लास इंटैक्ट है, लेकिन मेरे को अंदर की तरफ से जो है वो यहाँ पे कंप्लीट जो है फोन काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन फोन जो है वो बेंड हुआ है काफी सिग्निफिकेंट। ये बैंड है, एक बार मैं ट्राई करता हूं अपोजिट साइड से कि ये जो है वो कितना स्ट्रांग रहता है या जो भी है। हाँ, ये तो पीछे का ग्लू जो है, ये बैक पैनल जो है आपके सामने बाहर आ चुका है और फोन में यहां पे एक डेंट हो चुका है। एक बार ट्राई करता हूं और इस तरफ से, यार ये तीन तीन जगह से दोस्तों फोन जो है वो क्रैक हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे काम हो रहा है, मतलब स्क्रीन जो है वो काम कर नहीं रहा है, फोन बटन दब रहा है। ओके, फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है, ये मजे की बात है, फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है, लेकिन अगर आप देखते हैं बाकी तो यहाँ पे पीछे का जो ग्लास है पूरा बाहर आ चुका है। मतलब अगर आप इसे दबाएंगे तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे ऐसे ग्लास पूरा बाहर आ रहा है। और ओके दोस्तों, ये फोन जो है ना ये दो टुकड़ों में हो रहा है भैया, दिस इज नॉट अ स्ट्रांग डिवाइस। म्यूजिक